क्या आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं या गुर्दे डैमेज हो चुके हैं और आपके गुर्दों ने प्रॉपरली काम करना बंद कर दिया है, उसकी वजह से क्या आपको डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए रिकमेंड किया है या आपको या आपके परिवार में किसी को ऑलरेडी डायलिसिस चल रहा है। दोस्तों, अगर ऐसी किसी को समस्या है, आपको है, आपके परिवार में किसी को है, आपके परिचित में किसी को है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। दोस्तों, आज के हमारे इस खान पान में हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से या किसी और कारण से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, चाहे वो गुर्दे में या और किसी कारण से हो जाए, चाहे डायबिटीज ज़्यादा रहता है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है जो कि कंट्रोल में नहीं रहता है, उसकी वजह से आपको अगर गुर्दे खराब हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका ब्लड के कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, आपका यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं कि उसमें बढ़ना शुरू हो गया है, नॉर्मल रेंज से थोड़ा वो ज़्यादा रह रहा है, और या फिर आपके यूरिन के साथ में प्रोटीन लीक हो रहा है, ऐसी सभी समस्याएं जब आना शुरू हो जाती है और ऐसी कंडीशन में जब आप डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा या ऑलरेडी आपका डायलिसिस चल रहा है, ऐसी कंडीशन में आप पहुँच गए, तो आप इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है यह एक काफ़ी खर्चीला प्रक्रिया होती है, उसके साथ साथ ही काफ़ी पीड़ादायक भी होती है, काफ़ी कष्टदायक भी होती है, जिसको आपको रेगुलरली आपको कराना पड़ता है। दोस्तों, अगर ऐसी समस्या है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप अपने आसपास में किसी होम्योपैथी डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें, क्योंकि होम्योपैथी में इस तरह की जो कंडीशन हो जाती है उसी कंडीशन में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन होती है जो कि आपको इस तरह की कंडीशन में आपको हेल्प कर सकती है, और हो सकता है अगर आपको डायलिसिस आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो आप अपने डायलिसिस से बच सकें, या अगर आपको डायलिसिस चल भी रहा है तो डायलिसिस को आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मान लीजिए आपको 7 दिन में 2 बार हो रहा है या आपको 7 दिन में 1 बार हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपको डायलिसिस जो आपका ड्यूरेशन है धीरे धीरे ड्यूरेशन 7 दिन की जगह पे हो सकता है आपको 10 या 15 दिन में करना पड़े, या 7 दिन में 2 बार हो रहा है तो हो सकता है 7 दिन में केवल 1 बार से आपका काम चल जाए, धीरे धीरे आपके गुर्दे आप देखते हैं कि आपके प्रॉपर फंक्शनिंग में उनको हेल्प मिलना शुरू हो गई है, प्रॉपर फंक्शन करना शुरू हो गया। दोस्तों, आप पाएंगे कि आपका जो क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल है वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो रहा है, और उसके साथ साथ जो प्रोटीन लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहा था आपकी बॉडी में से आपके यूरिन के साथ में, वो भी धीरे धीरे आप पाएंगे कि कम हो रहा है। दोस्तों, होम्योपैथी में इस तरह की जो कंडीशन है उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है, लेकिन आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा होम्योपैथी की एक ऐसी चमत्कारिक दवा के बारे में जिसका कि नाम है NL2 ड्रॉप। NL2 ड्रॉप एक न्यू लाइफ लेबोरेटरीज का होम्योपैथी का एक पेटेंटेड मेडिसिन है जिसके कि इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि NL2 ड्रॉप को आपके पास इसमें कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस तरह की जो कंडीशन हो जाती है उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, और उसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि NL2 ड्रॉप को लेना किस तरह से है और उसके साथ साथ इसकी MRP और कहाँ पर अवेलेबल होगी, इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ ही मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि आपको अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके गुर्दे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं या आपको आपको डॉक्टर ने डायलिसिस रिकमेंड किया है या डायलिसिस चल रहा है, तो अभी आपको जो भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को आप जरूर दिखाएं, जैसा वो कहते हैं आप उनको जरूर फॉलो करें, और उसके साथ साथ आपको अपनी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलकर उनके प्रॉपर गाइडेंस में आपको आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको जरूर इसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि NL2 ड्रॉप एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, उसके साथ साथ आपके सिम्टम को ध्यान में रखते हुए हो सकता है डॉक्टर आपको और भी कुछ मेडिसिन रिकमेंड करे। दोस्तों, NL2 ड्रॉप है उसमें अगर कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो इसके अंदर जो इसकी मुख्य मुख्य मेडिसिन है जो है इसमें एल्सिरम मिलेगी आपको, टर्मेंथिना मिलेगी, इसके अलावा आपको एचिनेशिया मिलेगी, यूरेनियम नाइट्रिकम मिलेगी, साथ ही साथ इसके अंदर एपिस मिलेगी, बर्बरिस वल्गरिस मिलेगी, साथ साथ इसको आपको सरसपरिला मिलेगी। यह सभी कॉन्डिशंस जो है इसके अंदर वो सारी मेडिसिन गुर्दों पर इसका एक विशेष प्रभाव होता है, गुर्दों पर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और आप पाते हैं कि आपकी जो इस तरह की जो कंडीशन है जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था और आप रेगुलरली आपको डायलिसिस कराना पड़ रहा था आपको, उसमें आप पाते हैं कि आपका यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल जो है वो धीरे धीरे आपका कंट्रोल आना शुरू हो गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें कि NL2 ड्रॉप को लेना किस तरह से है, तो इसमें लेने का बड़ा ही आसान तरीका है। NL2 ड्रॉप को लेना जो होता है वो होता है खाली कप लें आप, खाली कप के अंदर आप आधा कप गुनगुना पानी डालें, आधा कप गुनगुना पानी डालकर उसमें करीब करीब इस NL2 ड्रॉप की 20 से 25 बूंद आपको डालकर आपको सिप बाई सिप आपको पीना होता है, यानी आप खाली कप के अंदर आधा कप गुनगुना पानी डालें, 20 से 25 बूंद NL2 ड्रॉप की डालें और उसको हल्के से आपको हिलाकर आप सिप बाई सिप धीरे धीरे आप पिए, तो आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरह से आपको दिन में 3 बार पीना होता है, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों, यह तो बात होगी इसको लेना किस तरह से।
अब अगर हम बात करते हैं कि NL2 ड्रॉप आपको कहाँ मिलेगी, तो यह आपके नज़दीक किसी अच्छे होम्योपैथी स्टोर पर या अपने आसपास होम्योपैथी डॉक्टर के पास में जरूर मिल जाती है। और आप जब इसको अपने डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में आप NL2 ड्रॉप को लेते हैं, तो आप पाते हैं कि आपका धीरे धीरे क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो गया। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि अगर आपकी बॉडी में आपके गुर्दे जो हैं वो खराब हो रहे हैं, आपके अगर आपको गुर्दे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि आप समय रहते पहचानते हैं तो आप अपने गुर्दों को फर्दर डैमेज से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके गुर्दे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, चमत्कारिक दवा है जिसका कि नाम है एल-सीरम, जो कि आप लेते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके लिए भी एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। और इसके अलावा एक और वीडियो मैं फ्यूचर में भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कम्प्लीटली आपके जो CKD अगर हो गया पेशेंट है, यानी अगर आपको गुर्दे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो कौन से सिम्टम मिलेंगे, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं, और उसके अलावा आपके अगर गुर्दे खराब हो जाते हैं तो आप NL2 के साथ में और भी कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि लेने से आपको अपने क्रिएटिनिन और यूरिया को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। उसके अलावा आप अपने प्रोटीन लीकेज को भी आपको रोकने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों, यह एक आज एक छोटी सी जानकारी थी NL2 ड्रॉप के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको इस तरह की अगर समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें, वो आपके केस को समझते हुए कुछ मेडिसिन देंगे NL2 के साथ साथ में, और इसमें आपको और अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपके आसपास में अगर चाहें तो होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी NL2 ड्रॉप के बारे में कि NL2 ड्रॉप को कैसे काम में लेना है या कौन कौन सी कंडीशंस में काम में लेना है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।